साथियों, आज एक छोटी सी लोकगीत के माध्यम से मैं आपको बहुत गहरी बात बताने चल रहा हूं। आज पूरे देश के अंदर हम नकली देवी देवताओं का पूजा करते आए, नकली जितना काम हम नकली में लगाते हैं समय, उतना कहीं असली में लगा देते तो बहुत बढ़िया हो जाता। तो बताया गया कि हम नकली सांप बनाते हैं और दूध लावा चढ़ाते हैं, और सही का सांप अगर घर में आता है तो हम लाठी डंडा लेकर के मारते हैं। तो जितना पूजा हम नकली करते हैं, हम दुर्गा जी की मूर्ति बना के बाघ बना देते हैं, बाघ के कपार पर मुसड़ी चावल खाती है और बाघ एक बार भी गुर्रा नहीं सकता। तो नकली के पास हम चले जाते हैं और असली देख करके हम डर के भागना शुरू हो जाते हैं। अगर कहीं ये देहात में बाघ का सचमुच पंजा दिखाई दे तो लड़का लोग कोठली में बंद करे लगे हन, जो कहीं रात का अटैक मत कर दे। ऐसने ऐसन पूजा बाम जिसको फूल हमें चढ़ाना चाहिए हम नहीं चढ़ाते, और जिसको नहीं चढ़ाना चाहिए वहीं जाकर के हम मांगते हैं कि यही देवता देगा। अरे का वो पत्थर का देवता देगा, हम वो न नहाता है न खाता है न मैदान होता है न अपना घर झाड़ पाता है। इसीलिए तो महाविद्वान ने लिखा क्या, किसी ने रामायण किसी ने गीता किसी ने कुरान दे दिया, हम तो उन्हें प्रणाम करते हैं जो भारत का संविधान दे दिया। तुलसीदास भी रामायण बनाए, रामचरितमानस मानस तुलसीदास लिखे, और तुलसीदास की जिंदगी में हमने पढ़ाया और पाया तो यही मिला कि अपनी औरत के लिए 12 बजे रात को तुलसीदास नदी पार कर मुर्दा पकड़ करके अपने औरत के पास गए थे। औरत के फटकार से बनारस जा करके 80 घाट पर रामायण की रचना किया। उसमें लिखा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और लिख दिया कि ए राम हम तो अपनी औरत के लिए केवल नदी पार किए, लेकिन आपको रामायण में लिख देता हूँ आप अपनी औरत सीता के लिए समुद्र पार करो। पूरा रामायण समुद्र पार करत में बीत गई। इसीलिए कहना है कि फूल किसको चढ़ाना चाहिए। संत रविदास बाबा साहब मेरे, संत रविदास बाबा साहब मेरे, फूल उनको चढ़ाना मेरे साथियों। संत बाबा साहब मेरे, फूल उनको चढ़ाना मेरे साथियों। संत रविदास साहब मेरे, हाँ फूल उनको चढ़ाना मेरे साथियों। जिनको करता जमाना सत सत नमन, जिनको करता जमाना सत सत नमन, शीश उनको झुकाना चढ़ाना जिनको करता जमाना सत सत नमन शिष्य उनको।
सावित्री मिली जो कि शिक्षा की ज्योति जगाई यहाँ। माँ सावित्री बाई फूले शिक्षा की ज्योत जगाने के लिए अपने बहुत कष्ट सह करके हम आपको शिक्षा दिया और दूसरी औरत महिला शेख फातिमा इन्हीं लोग ने शिक्षा दिया। लेकिन हम सरस्वती की बात करते हैं, सरस्वती ने आज तक कोई स्वर की किताब नहीं लिखी, अगर लिखी हो तो बता दो कोई सरस्वती। लेकिन सरस्वती पूजा मना करके जहां तक हमको पढ़ना लिखना चाहिए, हमारे आज के बच्चे नौनिहाल सरस्वती पूजा मना लेते हैं। पांच बोरा चाउर खोइछा भराई में बाभंग तो लेके चला गया, और जब मूर्ति विसर्जन करने आज का नौजवान जा रहा है तो गीत लगा रहा है कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, माई का चदरिया रूपवा मोहेला, ऐसी ऐसी गीत हम सुन रहे हैं। ओही रे जगहिया दांते काट लिहलन राजा जी, आज ले सला जगहिये हम ना जान पौले कि वो जगह ही कौन है। ए भैया माता शिक्षा की ज्योति जगाई यहाँ, तो फूल उनको चढ़ाना मेरे साथियों, फूल उनको फूल और चढ़ाना है तुम देखो चलाओ। ए भैया इसलिए 1891 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब माँ भीमा बाई के गोद में पिता राम जी राव के आंगन में पैदा होते हैं, जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत और कठिनाई मिली, और कठिनाई जब मिली तो इसलिए बताया गया कि कठिनाई को सह के बाबा अपनी पढ़ाई पूरा किए। बारिश होती थी, बरखा में भीगते थे, छुआछूत इतनी शर्म सीमा पर थी कि धरती भी कराह रही थी। कुत्ते बिल्ले सुअर के बच्चे तो तालाब में पानी पी सकते थे, लेकिन इंसान का बच्चा नहीं पी सकता है, यह विषमता थी। लेकिन जब अंग्रेजों को जाना हुआ और संविधान देना हुआ तो कोई माई का लाल आगे नहीं आया। यहाँ तनी तरज बदल गई मास्टर, कोई नहीं आगे आया। और कौन आया आगे, यहाँ वह तरज बा कि 100 साल पहले। क्या बात है, 100 साल पहले मेरा तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहे। बाबा साहब को मौका मिला, कलम उठाए, जिनको शिक्षा ग्रहण करने में तकलीफ उठानी पड़ी थी कलम उठाए और लिखे क्या, बाबा साहब ने लिखा सुंदर संविधान है, भारत महान है, आज भी है और कल भी रहेगा। बाबा साहब
आपने लिखा कलम से लिखे बाबा हक है पचासी कलम से लिखे बाबा हक है पचासी कलम से लिखे बाबा हक है पचासी 85% का हक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। इसी को डॉक्टर लोहिया जी ने 60 की बात किया। इसी को बिहार लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद 90 की बात किए। और इसी को बहुत पहले संत कबीर ने कहा कि देखला संतो नैया में नदिया डूबत जाए। मतलब ये छोटा सा समाज हम बड़े समाज को निगल रहा है धार्मिक उन्माद फैला करके। इसीलिए तो बाबा साहब ने लिखा क्या, काटे थे बाबा सबकी उदासी मेरा हक दिए बाबा ले लो पचासी मेरा हक दिए बाबा। अरे ये लाल क्या बात है बाबा दुनिया में कायम जब तक दुनिया में कायम जब तक धरती आसमान है देवता इंसान है आज भी और कल भी रहेगा। दुनिया में जब तक कायम दुनिया में जब तक कायम आज हम लोग देवता खोज रहे हैं। और देवता मैं बताता हूं कि आज के परिवेश में मित्र जब चाहे तब देवी देवता पैदा कर दो। हम मना कर रहे थे कि रामनवमी की पूरी चढ़ाने से लड़का पास नहीं होगा। औरत कुल ना मन ली ले जाके पूरी चढ़ावे लगली चढ़ा के गीत गावे लगली निबिया की डरिया मैया डाले ली झुलुआ की झुली झुली ना आपन गावत रहली तौले एगो मेहरारू अपनी लड़का की कपारे पर ऊ पूरी वाली दौरी उठा देलस कलश ले चल बचवाए के देवकुरिया वाला घर में रखे के बाद लड़का जब ले के चलल ऊ प्रसाद दौरी के पूरी ओकर रास्ते में लग गेल पेशाब। कहलस की का करी माई तो कहले बा देवकुरिया वाला घर में धरे के लेकिन अब ही नहीं खे रोकात चैन खिंचलस पानी चले लगल। आ जब पानी चलल तनी भर मुड़ी नीचे कैलस तो ले दौरी में पूरी रहल सड़क के दुगो गिर गए। आ जब गिर गई पानी चलते रहे वही पर पड़ गए छोड़ के चल गई पीछे से मेहरारू गीत गावत आवतरी देखली सब कि इज्जत दुगो पूरी चढ़ल बा दूसर की जानी कहतरी कि पूरिये चढ़ल बा वही जा उधार नहीं खे दीहल ओहू जा दू दू गो पूरी धो के लगली से धार देवे के बुझाता नौकी देवी ओहू जा पैदा हो गई ली
साझले खंचोली पूरी इकट्ठा। अब ओकर माई गैली से गांव में मेहरारू कहली से चाची नौकी देवे की है तोहार पूरी ना चढ़ल लैका तोहार फेल होई। उ कहली कहा नौकी देवी ले गैली से देखौली सब लैका जब देखल से कहल जब माई चल जा धार मत दे का भइल कहल के रे ना चल चल एजा हम ही पुड़िया लेके आवत रही पेशाब लगा रहे दुगो पूरी गिर गए वही जा चढ़ावत रही से बुझत रही जी को देवी ऊपर आई जा। लेकिन साथियों अगर देवता मानना हम अपने माता पिता के आज्ञा को मानो वही सब कुछ है। अगर माता पिता न होते तो हम धरती पर नहीं आते। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश हमको आकाश से नहीं छुआ दिया। मेरे माता पिता ने मुझे पैदा किया है इसलिए मेरे देवता तो वही होते हैं। यही बाबा साहब बताए थे क्या बाबा साहब सब देवता बताए दुनिया के लोगों को साफ समझाए दुनिया को दिए बाबा हाँ दुनिया को दिए बाबा स्वच्छ संविधान है भारत महान है आज भी है और कल भी रहेगा। को दिए बाबा स्वच्छ संविधान है भारत साथियों बाबा साहब की कभी हम करनी नहीं भूल सकते। लेकिन बाबा यही संघर्ष कर रहे थे कि जिनको मैंने अपने कलम से दिया वही भोले भाले लोग नहीं ले पाए तो इसलिए बाबा साहब अपने कलम में ताकत भर के संविधान में लिखा क्या कि जिसको मैंने दिया वही नहीं पाया तो इसलिए कहा जग जब साथी हिस्सा अपनाई लड़ जाओ मित्र अपने हक की लड़ाई लड़ जाओ मित्र अपने अपना ले लो आरक्षण अपना यही तो सम्मान है यही तो सम्मान है आज भी है और कल भी रहेगा। लो लो तथागत बुद्ध नाम आए होते बुद्धम शरणम गच्छामि न मिलती। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को जन्मा दिया और बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को जब गए तो उनको कौन जना दिया 6 दिसंबर 1956 को छाया अंधेरा लिहले उठाए बाबा साहब अपनी
बाबा के मर जाने के 35 बरस के बाद पश्चिम के रोपण जिला खवासपुर गांव से एक ज्योति आई और वो क्या किया बाबा के बाद मनवर आए कांसी राम है, भारत महान है, आज भी है और कल भी रहेगा। बाबा के बाद मनवर अपने गीत का अंतिम करूं। मित्र आप लोगों के सामने अगली गीत देवताओं के इतिहास का मैं गाऊंगा, लेकिन आज मात्र मैं यही बता रहा हूं आप लोगों के बीच में कि माननीय कांसी राम ने क्या किया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब तो चले गए थे, लेकिन माननीय कांसी राम अपनी नौकरी छोड़े और नौकरी छोड़कर इस मिशन में लगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा, टूटा चप्पल, फटा बैग लेकर के दर दर भटक करके आज इस कारवां को यहां तक ला दिया। अब आप और मेरा फर्ज बनता है कि हम 85% के लोग इकट्ठा होकर के अपना राजपाट सारा चीज अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर अलग अलग बिखर गए, क्या विडंबना है, क्या इस देश की व्यवस्था है कि गंदा साफ करने वाला नीच और गंदा करने वाला ऊंच। आज मेरा धोबी समाज है, जैसे एक मेरा साथी है गंगा खनूजिया, बार बार पूछता है बेचारा कि कभी जी मेरे समझ में नहीं आता कि हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, साफ पहनाते हैं, जिनका कपड़ा पहन करके आज मैं इस रिकॉर्डिंग में आया हूं और मैंने ही गंदा किया, तो गंदा करने वाला ऊंच बन गया और गंदा को जो साफ किया वही नीच बनाया गया। यही तो व्यवस्था है, इसलिए आखिरी लाइन में कहना है स्वामी गुरु बिहारी कमाई, जो मानवर सोती कोम को जगाई, जो मानवर सोती अंधों के आंख बाबा बहरों के कान है, सबकी जुबान है, बड़ा गहरा भाव है बाबा साहब अम्बेडकर। अंधों की आंख बाबा बहरों के कान है, सबकी जुबान है, रविंद्र के भगवान है, आज भी है और कल भी रहे। अंधों के आंख बाबा बहरों सबकी आज भी है।